नाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत भगवान श्री राम और श्री कृष्ण कथा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। महेश, तो वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रिंस तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रिंस, महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे, क्या पूरा कार्यक्रम रहा? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सबसे पहले पूरा ही वो अपने मठ यानी गोरखनाथ मंदिर में गए और वहाँ पे महंत अवैधनाथ और उनके गुरु जितने भी तमाम उनके गुरुओं था उन्होंने अपना पूजा अर्चना कर उनको श्रद्धांजलि दी। और आज का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम था वो था राम कथा को लेकर के, जहाँ राम कथा का वो आज गोरखनाथ मंदिर से उन्होंने उद्घाटन किया। जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। प्रिंस तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि श्री राम और कृष्ण कथा का आयोजन किया गया और ब्रह्मलीन महत्व दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ पुण्यतिथि पर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।